दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, टेक मास्टर्स एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और कंसेप्ट लेकर हाजिर हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग रेगुलरली कुछ एक्सेल के कंसेप्ट आपके लिए बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हमने एक कमांड का सिलेक्शन किया है। वो कमांड नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एप्लीकेबल होती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी एप्लीकेबल होती है और हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एप्लीकेबल होती है। इस कमांड को टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो ये मैक्रोस के नाम से जाने जाते हैं। मैक्रोस एक एक्शन रिकॉर्डर कमांड है। बेसिकली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उसी तरह से इसका टास्क परफॉर्म करते हैं, पावर पॉइंट में करते हैं और एक्सेल में कुछ इसी तरह से करते हैं। हालांकि हमने कुछ वीडियो बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, वहां पर हमने आपको मैक्रो स्टडी कराया है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। और हालांकि इसका इस्तेमाल कई तरह से, अलग अलग तरह से किया जा सकता है, लेकिन आज जो हमने कंसेप्ट बनाया वो ये है कि एक फॉर्मेटिंग हम लोग मैक्रो के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करके हम लोग किसी अदर टेक्स्ट के ऊपर उसी सेम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके दिखाएंगे और बाकी के आगे जो कंसेप्ट है, जब भी आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये थीम है, हमारी जो कंसेप्ट है, इसको आप स्टडी करिएगा क्योंकि ये काफी एक कहते हैं कि हॉटेस्ट टॉपिक में से। लीजिए, ओपन हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो हमने डेटा मेंटेन किया है मैक्रो के लिए, उसको हम लोग सबसे पहले वॉच कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट बताते हैं किस तरह की रिक्वायरमेंट है हमारी मैक्रो को यूज करने के लिए। फर्स्ट शीट है हमारी, इस फर्स्ट शीट का जो डेटा है उसको आप जरा वॉच कर लेते हैं। क्लास 10th के कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स और रिजल्ट है। इसी तरह से क्लास 11th का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है और इसी तरह से क्लास 12th का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे इस फर्स्ट टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके जो टाइटल्स हैं, उन टाइटल को हम लोग कुछ स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ स्टाइल हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हीं स्टाइल्स को हम लोग मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और उस रिकॉर्ड के मैक्रो को बाकी की जितनी टेबल्स हैं उनके कंटेंट्स के ऊपर, उनके हेडिंग्स, टाइटल्स के ऊपर एप्लीकेबल करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा समय बचेगा और साथ ही एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग हमारी एप्लीकेबल होगी और हमें एक शॉर्टकट की मिल जाएगी और उसी शॉर्टकट की से हम लोग मैक्रो अप्लाई करेंगे बाकी की जितनी हमारी टेबल्स हैं। तो फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप्स आप जरा ध्यान से आप फोकस करिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, आप अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, जिन कंटेंट के ऊपर सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग करने वाले हैं और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सबसे लास्ट का जो रिबन है, टैब है हमारा व्यू, वहां जाएंगे। जैसे कि ये ऑलरेडी ओपनड है और यहीं पे सबसे लास्ट में मैक्रोज कमांड आपको देखने को मिलेगी और इसी को आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा और रिकॉर्ड मैक्रो, इसको आप क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन देन ओपन दिस डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स आप वॉच करें। टाइटल आप देखेगा रिकॉर्ड मैक्रो और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है मैक्रो नेम स्पेसिफाई करने के लिए, आप मैक्रो का नाम स्पेसिफाई करेंगे और मैक्रो के नेम में कोई स्पेस सिंबल्स वगैरह ना दें आप लोग, बिल्कुल सिंपल अल्फाबेटिक नेम आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे मैं नेम स्पेसिफाई कर देता हूँ, रिजल्ट मैंने अपने मैक्रो का नेम स्पेसिफाई किया। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है यहाँ पे शॉर्टकट की स्पेसिफाई करने का मैक्रो के लिए, क्योंकि जो शॉर्टकट की है उसी से हम लोग मैक्रो प्ले करेंगे। शॉर्टकट की के लिए अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक
कंट्रोल प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट मीन्स हमारे शॉर्टकट की में कंट्रोल ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा, आप प्रेस करें या ना करें, प्रेस करना ही नहीं है हालांकि आपको, क्योंकि कंट्रोल यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड है। और हमें ये भी समझना है कि कंट्रोल के साथ मोस्टली शॉर्टकट की हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ए सेलेक्ट टूल, कंट्रोल से मोस्टली शॉर्टकट की होती हैं। तो आपको शॉर्टकट की देते वक्त ये सावधानी बरतनी है आपको कि पहले से ऐसा कोई शॉर्टकट की यूज ना किया गया हो जो आप देने जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग शिफ्ट के साथ शॉर्टकट की दें, यहाँ पर फिर शॉर्टकट की थोड़ा सा आपके लिए सेफ हो जाएगी, फिर शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ काफी कम है अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट की भी प्रेस कर रहा हूँ और मैं कोई भी एक ऐसी की प्रेस कर लेता हूँ जो मुझे ध्यान में आ रही है, इससे पहले जो शॉर्टकट की इस्तेमाल ना हो। तो मैंने कंट्रोल यहाँ ऑलरेडी है, मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और साथ ही कोई एक अल्फाबेट मैंने इस्तेमाल कर लिया, सपोज मैंने आर प्रेस किया और ये मैंने जो हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, ये बनने जा रहा है हमारे मैक्रो के लिए शॉर्टकट की। इसके बाद आपको ओके करना है दोस्तों। जैसे आप ओके करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्डर है मैक्रो का वो ऑन हो गया, लेकिन आपको ऐसा लगे कि कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्शन कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करना, कोई क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था पहले ही। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम रिबन के अंदर जाएं और इसको आपको बोल्ड करना है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी टेबल की वैसा कुछ करना है। आपको साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, साइज आपने इंक्रीज किया, कलर आपको चेंज करना है तो आपने कलर चेंज किया, और अंडरलाइन भी आप करना चाहते हैं तो अंडरलाइन करिए। इस तरह की जो भी आप फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं सब फॉर्मेटिंग करिएगा। ये सभी एक्शंस आप जो भी क्लिक करते जा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे मैक्रो रिकॉर्डर के अंदर रिकॉर्ड होता जा रहा है। ये सावधानी रखनी है आपको, कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कोई एक्शन ना प्ले करें जो आपको मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस तरह से आपको अपने सभी एक्शंस प्ले करने के बाद जब आपको ऐसा लगे कि मेरी फॉर्मेटिंग जो आपको रिकॉर्ड करनी थी वो हो चुकी है, जो आपको यहाँ अप्लाई करनी थी वो आपका फिनिश हो गया टास्क, उसके बाद आपको क्या करना है, आप वापस अपनी मैक्रो को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए वापस आप जाएंगे व्यू रिबन के अंदर और बहुत ही सावधानी से वापस उसी कमांड यानी कि मैक्रो कमांड को क्लिक करें और स्टॉप रिकॉर्डिंग को आप क्लिक कर दें। स्टॉप रिकॉर्डिंग होने के बाद आपका मैक्रो रिकॉर्ड होकर रेडी हो गया है। अब ये जो फॉर्मेटिंग स्टाइल आपने पहली टेबल के ऊपर या पहले कंटेंट के ऊपर अप्लीकेबल किया था, ये आप किसी भी अदर कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट के ऊपर। देखिए मैं आपको लाइव आपको करके दिखाता हूँ। दूसरी शीट हमने ओपन की और यहाँ के टाइटल्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं वही सेम स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन आपको क्या याद है हमने क्या शॉर्टकट क्या दिया था मैक्रोज के लिए, और वो था कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। जी हाँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर मैंने प्रेस किया, तो सेम वही स्टाइल देखो दोस्तों यहाँ एप्लीकेबल हो चुका है। तो आपको बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको अपना समय बचाते हुए अपना मैक्रो का इस्तेमाल करना है। ये मैक्रो आपके लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाली चीज है। मैं तीसरी शीट के ऊपर भी एप्लीकेबल करके दिखाता हूँ। मैं देखो क्लास 12th की शीट मैंने ओपन की और यहाँ पर मैंने टाइटल सेलेक्ट किए हैं और आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये फॉर्मेटिंग आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप टाइटल्स पे इस्तेमाल करें, आप किसी भी कंटेंट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैं अदर किसी कंटेंट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने लास्ट की लाइन सेलेक्ट की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि सेम उसी तरह कंटेंट पे अप्लाई करना, तो ऐसा नहीं है, तो आप किसी भी कंटेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट की लाइन सेलेक्ट की, इसके ऊपर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। तो इस तरह से आपको अपना मैक्रो इस्तेमाल करना दोस्तों। ये था मैक्रो को रिकॉर्ड करना और उसको अप्लाई करना। इसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ सकती है कि यदि हम लोग अपने मैक्रो का शॉर्टकट की भूल जाएं और फिर भी हमें अपना मैक्रो प्ले करना हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले अपने वो कंटेंट सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, सपोज ये जो मिडिल वाली लाइन है इनके ऊपर मुझे स्टाइल अप्लाई करना है, ये मैंने सिलेक्शन किया। और सिलेक्शन करने के बाद आप वापस वही व्यू रिबन के अंदर जाना है, मैक्रोज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप सबसे ऊपर मिलेगा आपकी कमांड व्यू मैक्रोज, यहाँ आप क्लिक करेंगे और व्यू मैक्रोज पे क्लिक करने के बाद आपके मैक्रो के जो नेम है वो आपके अब काम आने वाले हैं जो हमने नेम स्पेसिफाई किया। जैसे मैंने दो मैक्रो बनाए थे, एक मैक्रो मैंने रिकॉर्डिंग पहले किया थी बना के तैयार किया था इस वीडियो से पहले, तो अब मैं रिजल्ट को इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो रिजल्ट वाला मैक्रो मेरा नाम याद है, अब आप रन करेंगे तो रन करते ऑटोमेटिकली आपका मैक्रो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हुआ मैक्रो का अगर आप
शॉर्टकट की भूल जाए तो उसको उसको नेम से आप कैसे प्ले करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको अपना मैक्रो डिलीट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो मैक्रो डिलीट करने के लिए आपको वापस अपने मैक्रो कमांड पे जाना है, शॉर्टकट की भी आप देख रहे हैं ऑल्ट प्लस F8, और व्यू मैक्रोज को क्लिक करेंगे। और व्यू मैक्रोज को क्लिक करने के बाद आपने जिस मैक्रो को डिलीट करना है, जैसे मुझे रिजल्ट मैक्रो डिलीट करना है, उसको आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद डिलीट बटन आपके सामने यहाँ पे हाजिर है, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यस करना है, ये आपसे कंफर्म कर रहा है डू यू वांट टू डिलीट द मैक्रो रिजल्ट, तो आपको करना है यस। अगर आप मैक्रो डिलीट नहीं करना चाहते तो आप नो करेंगे, हमें इसको डिलीट करना तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद अब आपका ये मैक्रो एप्लीकेबल नहीं होगा आगे फ्यूचर में कभी भी। तो इस तरह से दोस्तों अपना मैक्रो बनाना है, रिकॉर्ड करके उसको यूटिलाइज करके देखना है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल कमांड है दोस्तों, और मैं अपनी रिक्वेस्ट के तौर पे कहूंगा, और ये आपसे जो भी कुछ है अपने जो जितने भी कंटेंट हैं हम लोग अपने वीडियोस में जो प्ले कर रहे हैं आपके लिए जो बना रहे हैं, उनको आप लोग रेगुलरली टेस्ट करिएगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, अपनी प्रॉब्लम का समाधान लें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको संतुष्ट करने का। मैं अनुज आज की वीडियो से विदा लेता हूँ, और प्रयास करेंगे हम जो है बहुत जल्दी फिर से जो है एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।